ज़िला अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान की इन खूबसूरत इलाकों में शुमार किया जाता है जो अपने कुदरती हुसन से मालामाल है। ज़िला अस्तोर जो सतह समंदर से 2600 मीटर बुलंदी पर वाकई है, गिलगित शहर से 120 किलोमीटर पर वाकई जो गिलगित से जुगलोट शुमाल की जानब और मशरक़ की जानब स्कर्दो, जबकि जुनूब की जानब चत्राल वाकई है। छोटे बड़े तकरीबन 100 गांवों पर मुश्तमिल ज़िला अस्तोर, जिसकी कुल आबादी 2012 के आदाद शुमार के मुताबिक 1,10,000 अफराद पर मुश्तमिल है। शीना अस्तोर की इलाकई जबान है। मशहूर सियाती इलाकों में चिलिम, बुबिन, ईदगाह, रामखा और तरसिंग काबिल जिक्र है। मशहूर सियाती मुकामात जिनमें पिरामिडोस, नंग पर्वत, रामा वैली और इसके साथ साथ जुड़ी एक खूबसूरत झील शंगरी, रूपल पीक, चोंगरा पीक और लेला पीक जिला अस्तोर की पहचान समझी जाती है। अस्तोर ये डिस्ट्रिक्ट है, ये 2005-6 में ये डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इसके दो सब डिवीज़न है, एक सब डिवीज़न अस्तोर है, यहाँ अभी हम बैठे हैं हेडक्वार्टर में। दूसरा सब डिवीज़न छोटर है, वो गुरकोट से आगे। सब डिवीज़न छोटर के अंदर फिर एक नई तहसील, अभी तहसील मिनमरिक की अप्रूवल आ गई है। बहुत खूबसूरत वैली है, लश ग्रीन वैली है, उसको अभी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने तहसील का दर्जा दिया है। तो इंशाल्लाह अगले माली साल से उसकी नई तहसील का काम भी शुरू हो जाएगा। अस्तोर हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो तकरीबन जो मेन बड़े अजला हैं उनसे टच करता है। अभी जिस रोड से आप आ गए, डिस्ट्रिक्ट जामर के हदूद से आप थलिज में दाखिल होते हैं, यहाँ से हम जाते हैं सीधे तो लेफ्ट पर दोसे क्रॉस करके सिकरदुका डिस्ट्रिक्ट टच करता है। राइट पर हम चले जाते हैं तो शोटर से आज़ाद कश्मीर टच होता है। फिर थलिज के उस पर बोंजी से गिलगित का डिस्ट्रिक्ट टच करता है। गिलगित, द्यामर और सिकरदु तीनों के संगम पर अस्तोर वाक़ है, अस्तोर का जो डिस्ट्रिक्ट है। जोग्राफियाई अहमियत के एतबार से सबसे अहम प्री पार्टीशन अस्तोर की अपनी एक वज़न था। अस्तोर का पूरे जीबी के अंदर जितने लोगों का आना जाना था वो थ्रू अस्तोर कश्मीर से आते थे, सवाए बल्तिस्तान के। वहाँ करगिल का रूट था, उधर से भी लोगों की आमदरफ्त होती थी, लेकिन गिलगित, द्यामर, हुंजा, नगिर, बाकी जितने हमारे दो डिवीजन्स के अजला हैं उनके लोगों का सारा दारमदार कश्मीर पर था। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग उस ज़माने में थे तो वो भी इसी रूट से कश्मीर जाते थे, वहाँ जा कर पढ़ कर वापस आते थे। अस्तोर में पूरे गिलगित बल्तिस्तान का उस ज़माने का रिकॉर्ड आज भी हमारे पास, गिलगित, द्यामर, इवन गीजर का भी रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड रूम से मिल जाता है। अस्तोर मरकज़ हुआ करता था, लेकिन पार्टीशन के बाद कैकेज बना। कैकेज बनने से मेन जो फ्लो था लोगों का आमदरफ्त का वो कैकेज से हुआ, और पूरे पाकिस्तान आना जाना कैकेज के थ्रू होने से अस्तोर की थोड़ी वो जो टूरिज़्म जिस हद तक लोगों की आमदरफ्त होनी चाहिए थी वो बहुत कम हो गई है। उम्मीद हम करते हैं कि शॉर्टर एक्सप्रेसवे बन जाए, और अगर टनल भी बन जाता है तो फिर अस्तोर वो जो पुरानी अपनी हैसियत थी उस हैसियत पर वापस आ जाएगा। फिर पूरा जीबी एक तरह का हब बन जाएगा थ्रू अस्तोर। सड़कों का बहुत बड़ा इशू था, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने अस्तोर वैली रोड यहाँ से आप होकर आगे वो तकरीबन अपने तकमील के आखिरी मराहिल में इंशाल्लाह जून 2019 में ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी। 33 करोड़ की ये सड़क बन रही है। रामा जो हमारा एक बहुत अहम तफरी मकाम है, यहाँ सालाना रामा फेस्टिवल के नाम से 3 रोज़ा एक मेला भी होता है। वहाँ की सड़क अप्रूव हो गई है, टेंडर हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्किंग सीजन से काम शुरू हो जाएगा। गुटुम सर बहुत खूबसूरत वैली है,
परिशिंग के लिए सड़क अप्रूव हो गया, टेंडर हो चुके हैं और काम भी शुरू हुआ है। रटू की सड़क भी अप्रूव हो गई है, फेज़ टू हमारा भी बन जाएगा। मुश्किल से गुरकोट, वहाँ से आगे आर्मी बना रही है, चिलम से लेके मिनमरक तक सड़क तकरीबन पूरा एरिया कनेक्ट हुआ है अभी सड़कों के हिसाब से। छोटे मोटे यहाँ मसाइल भी हैं, मसाइल से सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास आ रहा है वो ईंधन का आ रहा है, और ईंधन को बराबर करने का वाहिद जो ज़रिया है और आसान ज़रिया हमारे पास है वो हाइडल स्टेशन है। पानी जी भी में बहुत ज़्यादा है, अस्तौर में हर वैली के अंदर से नाले गुजरते हैं, अगर हाइडल स्टेशन हम बना लेते हैं तो जंगलात की कटाई पर भी कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों की जो माइग्रेशन है ईंधन के वजह से वो भी रुक सकती है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त 6 पावर हाइडल स्टेशन जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जीबी का सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट कस्तौर है, बाकी ज़िला में कहीं ग्लेशियर होगा, कहीं जंगल होगा, कहीं ग्रीनरी होगी। अस्तौर ऐसी जगह है यहाँ सेहरा से लेकर ग्लेशियर तक जंगल तमाम चीज़ें, इवन आपके पास अभी नंगा पर्वत शोशर लेक है, नंगा पर्वत के दो फेज़ यहाँ टच करते हैं, एक रामा से टच करता है, दूसरा रूपल से टच करता है तरिशिंग वैली में। तो यहाँ ऑलरेडी सियाहों का रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस दफ़ा हमने 8-10 और पॉइंट आइडेंटिफाई किए, यहाँ हम टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे। इंशाल्लाह सियाह अगर पिछले साल हमारे पास 4 लाख आए तो नेक्स्ट ईयर हम तवक्को रखते हैं कि 10 लाख आएंगे, और अगर शॉर्टर टनल हमारी बन जाती तो वो 10 लाख 50 लाख से ऊपर चला जाएगा इंशाल्लाह। सियाहती एतबार से ये सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट है। शॉर्टर पास बन जाए तो जिस तरह कैकेज के बनने से पूरे जीबी में कासूदगी आ गई है। कैकेज से पहले आप नमक बालाकोट से उठा के ले आते थे या कश्मीर से खचरूप उठा के ले आते थे, जितनी डेवलपमेंट कैकेज के बनने से गिलगित बल्तिस्तान में आई है उतनी ही शॉर्टर एक्सप्रेस वे बनने से भी आ जाएगी। अगर शॉर्टर एक्सप्रेस वे बन जाता है, टनल अगर बन जाए तो हम 8 घंटों में अस्तौर से पिंडी पहुंच जाएंगे, बिल्कुल शॉर्टकट हो, उससे फ्यूल की बचत, वक्त की बचत, लोगों को तकलीफ। फिर ये इतना खूबसूरत इलाका है, सारे लोग मरी गलियात भूल जाएंगे, सब इधर से आ जाएंगे, पूरा पाकिस्तान उमड़ आएगा अगर शॉर्टर एक्सप्रेस वे बन जाता है तो सूरत में। तालीमी एतबार से चूँकि अस्तौर का लिंक पुराने कश्मीर से होता था, इसलिए अस्तौर में पढ़े लिखे लोग प्री पार्टीशन से हैं। आप अंदाज़ा करें कि अस्तौर का तालीमी मैार क्या, पूरे जीबी के अंदर आप चले जाएँ तो यहाँ कहीं भी कोई सीनियर पोजीशन में बैठा है तो उसका ताल्लुक अस्तौर से होगा, और फिर अस्तौर में खासकर बोंजिक एक गांव है, हर एतबार से अस्तौर ठीक है। हेल्थ सेक्टर में चूँकि यह नया नया डिस्ट्रिक्ट है, डीएचक्यू हॉस्पिटल बन गया है, पिछले जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो 3 डॉक्टर होते थे इस हॉस्पिटल में, अभी 14 डॉक्टर हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ स्पेशलिस्ट आ जाए, सर्जन इसलिए नहीं है कि यहाँ अभी अस्तौर हॉस्पिटल में सर्जरी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, उसके लिए जब गवर्नमेंट ने 8 करोड़ रुपए की ग्रांट दे दी है तो इंशाल्लाह एक बिल्डिंग हमारी तैयार हो रही है और दूसरी जो नई स्कीम है वो तैयार होगी तो तब हमारे पास स्पेशलिस्ट ब्लॉक भी बन जाएगा और डॉक्टर भी आ जाएंगे। लाइव स्टॉक को जिस लेवल पर होना चाहे तो उस लेवल पर लाइव स्टॉक अभी नहीं है, वो इसलिए कि ज़्यादातर लोगों ने लाइव स्टॉक और माल मवेशी चराने वाला काम बहुत कम हुआ है। लोकली यहाँ वो याक जुमो और नस्ल के जो होते हैं क्रॉस नस्ल के माल मवेशी वो बहुत बेहतर है, वो इसलिए कि उनको कम घास की ज़रूरत पड़ती है, वो बाहर चर के आते हैं। सैयों से मेरी ये गुजारिश होगी कि आप आ जाएं, अस्तौर देखें, अस्तौर के लोगों की मेहमान नवाजी देखें, अस्तौर की खूबसूरती देखें और वापसी पे आप अस्तौर के सफ़ीर बन के जाएं। हमारी सैयों से ये गुजारिश होगी कि अस्तौर अमन के एतबार से एक मिसाली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कभी हमारे पास उस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आई सैयों की तरफ से कि कोई तकलीफ़ हो गई, बल्कि इस साल कुछ सैयों के बैग रह गए, कुछ के मोबाइल गुम गए और कुछ की कैश, रामा में एक होटल में 1.5 लाख रुपए कैश किसी का रह गया, सबको लाख उन लोगों ने खुद पहुंचा दिया, बुलाक उनको ले जाकर हवाला किया, वो हमारे रिकॉर्ड पर मौजूद है।
بلکہ ہم نے ان کو سرٹیفکیٹس بھی دے دیے، جن ہوٹل والوں نے موبائل اور کیش واپس دے، ان کو کیش انعام کے ساتھ سرٹیفکیٹس بھی دے دیے. جگٹ موٹ دھرے مٹ چائے تن پوڑر گنی بلکا لانگ بھٹک چھتو محبت ای نظر گنی یہ ارجمہ وار بھٹک نتن موٹنی کسر گنی الکارے کارے بھرے پجر تزا خبر گنی سکو لیڑ رس بھی گیا لے توم در ارماس در گنی زمانہ ہی حالا تو جو آکم نشتو ماسو منو جنی تب چادر گنی یا ہاں تو جو واقعی مجھ کو معصوم بنو جب تم چادر گنی.